दोस्तों ये रही सामने विस्टाडम कोच, तो यही वो ट्रेन है जो कुछ ही दिन पहले जो है कश्मीर में आई हुई है। तो यही है जो ग्लास विंडो बोल रहे थे और लिखा भी है एसी टूरिस्ट कार। तो हेलो दोस्तों, कैसे सारे, उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि भाई आज जो है मैं एक नई ट्रेन का व्लॉग बनाने वाला हूं। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, कुछ ही टाइम पहले जो है कश्मीर में एक नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि विजडम कोच करके उस ट्रेन का नाम है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर की ट्रेन तुम्हें दिख रही है, ये वही है जिसमें जो है एसी है और जो है ग्लास विंडोज़ है। तो ये वही ट्रेन है। तो आज मैं सारा रिव्यू दूंगा इसके बारे में और सारा टूर कराऊंगा कि किस तरह की सीट्स है, क्या है और क्या इसमें इतना खास है कि इतनी ज़्यादा हाई टिकट प्राइस है। इसकी जो टिकट प्राइस है वो 940 है। तो इतनी टिकट क्यों प्राइस क्यों है, ऐसा क्या इसमें है, इतनी क्या खासियत है, तो सारा कुछ आज जानेंगे। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं ट्रेन की ओर। मेरे सामने ट्रेन है, दोनों ट्रेन है, मतलब जो यहाँ पे आम चलती है रेड कलर की वो भी सामने है और ये जो नई आई है ये भी सामने है। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये रही वो नई ट्रेन यहाँ से सामने, बिल्कुल जितनी पहली ट्रेन जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भी है। लेकिन इसका एक क्या है कि इसमें सिर्फ 40 सीट्स कैपेसिटी है जिसमें एसी है जो है वहाँ बीच में। मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी, फिलहाल तुम यहाँ से ट्रेन का व्यू देख लो दोस्तों। ये यहाँ से होके वो सामने तक और सामने दूसरी ट्रेन। और अभी करंटली ये है बानिहार रेलवे स्टेशन पे, सुबह 9:10 पे बडगाम से निकलती है और 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाती है, मतलब कि 11:30 के आसपास या 12 बजे आप समझ लो यहाँ पहुँच जाती है पानियाल, और फिर यहाँ से जो है 4 बजे। तो ये कुछ इस तरह का तुम्हें दिखता है ट्रेन का व्यू यहाँ से। और बाकी सेम इसमें है सीट्स जैसा कि बाकी ट्रेन में है यहाँ से दिख रही है, लेकिन वो वाला जो है एक कोच में तुम्हें दिखाता हूँ एसी वाला कोच, बाकी बिल्कुल सब सेम है दोस्तों। फिलहाल मैं अंदर लेके चलता हूँ आप लोग को, तो देखते हैं ज़रा कि क्या है इस कोच में इतना खास। तो बाकी मैं आपको पहले अंदर चल के दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ से। अरे ये वाला जो है, मतलब ये वाली कोच जो है सेम है जैसे बाकी ट्रेन्स में है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो बाकी ट्रेन्स है ये, मतलब बानिहाल टू बारामूला जो चलती है उनमें भी सेम यही है, लेकिन जो एसी वाला है वो बंद रखा हुआ है। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ यहाँ से, ये है एसी वाला और ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो ये वाला जो है बंद है। तो एसी टूरिस्ट कार, तो एसी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं तुम लोगों को दिखा देता लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है, ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन है। तो फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये यहाँ से ये देखिए दोस्तों ये बंद है लेकिन ये वाला खुला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। बस इसमें ये क्या है, सेम है, बस कंडीशन एकदम नई है, सीटें वगैरह नई है, ये आप देख सकते हैं फैन वगैरह लगे हुए हैं जो पहले वाले ट्रेन्स में थे। बस एसी वाला एक ही कोच है जिसमें 40 सीट्स की कैपेसिटी है, लेकिन वो जो है लॉक है। और मैं तुम्हें जो है इसके टिकट प्राइस बताता हूँ, 940 है कुछ, हाँ 940 के आसपास। तो ये जो है टूरिस्ट्स के लिए है, क्योंकि आम बंदे इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि 940 कोई नहीं भरेगा। मुझे लगता है जो एसी वाला जो है उसी के लिए सिर्फ 940 है, बाकी जो ये सीट्स है इनके लिए तो वही होगा जो बाकी ट्रेन्स का है, मतलब बानिहाल टू श्रीनगर 45, तो वही सेम होगा, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं जो ज़्यादा होगा। तो बस जो एसी का है सेम वही, और जो ग्लास विंडो है उनका ही होगा, मतलब वो लगाए हुए हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो रहती है टिकट। तो फिलहाल मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ उस ट्रेन का, तो चलिए बाहर चलते हैं ये यहाँ से। तो यहाँ से सामने भी एक और ट्रेन है जो यहाँ पे चलती है, वो वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन अब यहाँ से 4 कुछ पे जाएगी। फिलहाल तुम लोग देख सकते हो यहाँ से सुबह आती है ये, 9:10 पे निकलती है ये बडगाम से और यहाँ से फिर 4 बजे जाती है। तो ये तुम लोग देख सकते हो पूरा व्यू ट्रेन का, और सामने है वो वाली ट्रेन रेड कलर की जो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे चलती है। तो सही है दोस्तों,
अभी ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये रही दोनों ट्रेन सामने सामने रेड कलर की जो पहले से ही चलती आती है, और ये है अभी नई ZM कोच। तो यहाँ से तुम्हें मैं डिफरेंस बताता हूँ जो बाकी कोच है और जो AC वाला कोच है। इसके विंडो तुम देख सकते हो बिल्कुल सेम है सारे के सारे, और ये जो ये वाला जो है कोच इसके विंडो तुम देख लो कितने बड़े बड़े है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। और इनके भी देख लो डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो यही है जो ग्लास विंडो बोल रहे थे, और यहाँ पे इंडियन रेलवेज का लोगो यहाँ पे ये, और इस पर लिखा भी है AC टूरिस्ट कार। तो जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, तब मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं उस दिन व्लॉग कर नहीं पाया, बट देरी सही दुरुस्त आए। ये देख लो यहाँ से दोस्तों बानिहाल से बड़गाम चलती है ये, सुबह 9:10 पे वहाँ से निकलती है और 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है, फिर यहाँ से 4 बजे निकलती है। तो फिलहाल तुम लोग देख सकते हो बस यही है जो ट्रेन है, और इसमें जो है 40 सीट्स की कैपेसिटी है, सिर्फ 40 बंदे इसमें बैठ सकते हैं, और टिकट मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कितना है, मतलब 900 समझ के चलो आप। तो ये रहा दोस्तों, और ये है यहाँ पर कुछ बानिहाल का रेलवे स्टेशन, और साथ में कुछ इस तरह के व्यूज़, और ये पीर पंचाल रेंज ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यही है जो है देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आगे अब ट्रेन कहाँ जाएगी खड़ी के लिए, और खड़ी से फिर सुंबड़, यहाँ से आगे तुम ट्रैक्स देख सकते हो, और यहाँ से आगे अभी फ़िलहाल ट्रेन नहीं जाती है, क्योंकि आगे जब तक सारा कंप्लीट होगा, मतलब अब तो कंप्लीट ही है, जैसा मैं तुम्हें पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में बताते आया हूँ, मतलब सारा कंप्लीट है, अब कुछ ही टाइम में जो है यहाँ से आगे भी ट्रेन जाएंगी, या उम्मीद करते ये वाली ट्रेन भी जाएगी। तो यहाँ से आगे सीधे खड़ी के लिए जाता है, और फिर खड़ी से आगे सुंबड़, सुंबड़ से आगे संगलदान। तो सारी ट्रेन जो है अब बारामुल्ला से सीधे कटरा तक जाएंगी, और कटरा से आगे तो फिर है ही पूरे इंडिया में जाती है ट्रेन। तो फिलहाल देख लो दोस्तों यहाँ से रेलवे स्टेशन का क्या अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही सही। और अभी पहाड़ देख लो तुम क्या सूखे सूखे है, क्योंकि ऑटम का टाइम है दोस्तों, वरना हल्की फुल्की ग्रीनरी होती थी यहाँ से। तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो लोग जा रहे हैं, और यही रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स यहाँ से ये तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ से भी इसका एक डोर है जैसा कि हर कोच का होता है यहाँ से, तो क्या पता ये अनलॉक हो, यहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इलीगल हो जाएगा दोस्तों कि अंदर चले जाना, क्योंकि जब उस साइड से लॉक किया है तो इसका मतलब ये है कि अंदर नहीं जा सकते ऐसे, तो बिना टिकट के, तो ये सही नहीं रहेगा, वरना जा सकते थे लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पालन करना पड़ता है रूल्स का, इनके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं यार, और बिना टिकट के हम इसमें नहीं जा सकते। इंशाल्लाह किसी दिन जाएंगे, हम राइड करेंगे किसी दिन, 940 रुपये खर्चा के हम जाएंगे इसमें पूरे मज़ेदार तरीके से, और इस दिन एकदम मस्त तरीके से व्लॉग करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं बाकी ये दिखाता हूँ आपको, जो भी है बाकी तो बिल्कुल सेम ही है जैसे पुरानी ट्रेन है। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, यहाँ से आगे जो ट्रेन जाती है वो जाती है खड़ी, और अभी कुछ ही टाइम बाद जब सारा USBRL का जो प्रोजेक्ट है वो सारा कंप्लीट होगा, फिर बड़ी बड़ी ट्रेन यहाँ से आएंगी, वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ से आएंगी, इन ट्रैक्स पर दौड़ेंगी, तो भाई क्या ही मज़ा आएगा। तो फिर जो है इस तरह की बहुत सारी कोचेज आएंगी आई होप, तो AC वाली, तो मुझे लगता है कि बस कुछ आने वाले टाइम में जो है इसकी जो टिकट कॉस्ट है और कम हो जाएगी थोड़ी, मुझे लगता है इसकी जो टिकट प्राइस है और थोड़ी कम होगी, आई होप कि होगी। ऐसे तो इसमें टूरिस्ट लोग ही जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई लोकल ऐसे जाएगा 940 वर्क है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, और यहाँ से आगे ट्रैक तो कम्प्लीट है आगे तक, तो इलेक्ट्रीफाइड एकदम मस्त तरीके से, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन भी यहाँ से चल सकती है बिना किसी दिक्कत के, तुम देख रहे होंगे सारा इलेक्ट्रिफाइड है। तो फिलहाल दोस्तों हम अभी चलते हैं यहाँ से, तो ऊपर ब्रिज से होकर सीधे हम निकलेंगे बाहर। तो आज मैं तुम्हें बानिहाल का भी रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है दोस्तों बानिहाल ही मतलब ऐसा बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यही एंड होता है जो अभी कश्मीर रेलवेज है, सबसे लास्ट वाला स्टेशन यही है जो जब श्रीनगर से आते हैं, यहाँ से पहला रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो लोग वहाँ से आते हैं जिनको जम्मू वगैरह जाना होता है, दिल्ली वगैरह जहाँ भी जाना होता है, तो यहीं से गाड़ी मिलती है, दिल्ली के लिए यहाँ से नहीं मिलती, लेकिन हाँ जम्मू के लिए मिलती है, तो जम्मू से फिर हिंदुस्तान की किसी भी कोने में जाओ वहाँ से मिल जाएगी गाड़ी, चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा हर कहीं चले जाते हैं वहाँ से गाड़ी। तो लेकिन जो कश्मीर से लोग आते हैं श्रीनगर वगैरह से, तो यहीं पर उतरते हैं सब। तो फिलहाल यहाँ से देख लो दोस्तों कोच, ये रहा दोस्तों
बानीहाल का सोमू स्टैंड या बस स्टैंड जो भी कह लो, यहाँ से तुम्हें सिर्फ ट्रैवलर्स दिखेंगे। ये देख लो सामने, और सामने बसेस है जम्मू के लिए जाती है, लेकिन बहुत कम बसें जाती है, ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बसेस भी यहाँ पे है, एक आगे मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, बसेस जो है सामने होती है, यहाँ से बस तुम्हें ट्रैवलर्स दिखेंगे। ये देख लो भाई, अभी बस ट्रेन आने वाली है कुछ टाइम में, और फिर खाली खाली सा हो जाएगा यहाँ पे। बट ये है सोमू स्टैंड बानिया रेलवे स्टेशन का। सो यस, तो ये रही दोस्तों यहाँ पे बसेस, यहाँ से निकलती है बसेस। ये सामने तुम्हें दिख रहा होगा बोर्ड्स पे जम्मू जम्मू जम्मू, यू कैन सी। ये रही यहाँ पे बसेस और ट्रेवलर सुपर, और यहाँ पे भी है कुछ गाड़ियाँ, ये तुम लोग देख सकते हैं। बस यही है, यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ से फिर नीचे स्टार्ट होता है NH44। तो यस दोस्तों, ये था अपना आज का व्लॉग जो विजडम कोच का था। तो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, लेकिन जो एसी वाला कोच था वो जो है बंद था, उसको ताला लगा हुआ था, तो बिना टिकट के हम वहाँ नहीं जा सकते थे। तो फिलहाल जो भी था हमने आपको दिखाया, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी एक और बढ़िया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।